तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इस अनिम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप जाके देख लेना। और आज हम इस अनिम का 5th एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम टैंक को देखते हैं, जो की जियांग को देखकर बहुत घबराई हुई होती है। इसके बाद फिर टैंक जियांग का गाल पकड़कर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो क्या? तभी माई कहने लगते है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों तो बस यहाँ पर ऐसे ही घूमने आए थे। तभी हम देखते हैं कि सभी कैमरामैन इन तीनों की इकट्ठे की फोटो खींचने लगते हैं। इसके बाद टैंक की नजर अपनी फ्रेंड्स पर पड़ती है। इन्हें देखकर टैंक पूरी तरह से शॉक हो जाती है और कहने लगते है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है अब। तभी टैंक जियांग और माई का हाथ पकड़ लेती है और उन दोनों का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है। वही दूसरी तरफ हम ये चौथी लड़की अलीना को देखते हैं, जिसकी एंट्री वहां पर हो चुकी होती है। हम देखते हैं कि अलीना अपने हाथ में एक स्वॉर्ड भी लाई होती है। फिर अलीना मन ही मन में कहने लगते है कि जियांग अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। वही दूसरी तरफ हम टैंक को देखते हैं, जो कि माई और जियांग के साथ एक कमरे में छुप जाती है। टैंक कहती है कि शुक्र है किसी ने हमें देखा नहीं। तभी जियांग टैंक का मजाक उड़ाने लगता है और उसे कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे, तुम ऐसे कपड़े भी पहन सकती हो, लेकिन ये ड्रेस तुम पर काफी प्यारी लग रही है। ये सुनकर तो टैंक का बिल्कुल पारा हाई हो जाता है। फिर वो जियांग से कहने लगती है कि तुम अभी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इस पर फिर जियांग कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तभी टैंक गुस्सा होकर जियांग के गाल पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है कि तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। इस पर फिर जियांग कहता है कि अरे बड़ी दीदी, मैं कितनी बार बताऊं, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। वही दूसरी तरफ माई मन ही मन में कहने लगते है कि अच्छा, जियांग को ये कैट ड्रेस पसंद है, अब मुझे भी जियांग को इम्प्रेस करने के लिए ये कैट ड्रेस पहननी पड़ेगी। इसके बाद फिर टैंग अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। टैंग कहती है कि जब मैं स्कूल में नई नई आई थी, जब स्कूल के सभी लड़के लड़कियों को बहुत परेशान किया करते थे, वो हमेशा लड़कियों के कपड़ों के ऊपर बहुत मजाक उड़ाया करते थे। फिर आगे टैंग जियांग से कहती है कि इसके बाद मैंने ठान लिया था, अब कोई भी लड़की को परेशान करेगा मैं उसे पेल दूंगी, इसलिए अब में जो कोई भी लड़का लड़कियों को छेड़ता है या उसे परेशान करता है मैं उसकी अच्छी तरह से पिटाई कर देती हूँ। फिर टैंक कहती है कि इसलिए मैं स्कूल की सभी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हूँ, लेकिन अगर सभी लड़कियों को पता चल गया कि मैं पैसा कमाने के लिए ये कपड़े पहनकर फोटो शूट करवाती हूँ तो उनकी नजर में मैं बिल्कुल गिर जाऊंगी, इसलिए मेरी स्कूल में जो इज्जत है वो बहुत कम हो जाएगी, लोग मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे। फिर टैंक जियांग से कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज किसी को मत बताना कि मैं ये ड्रेस पहनकर फोटो शूट करवाती हूँ अपना। इस पर फिर जियांग टैंक से कहने लगता है कि कैसी लड़की हो यार तुम, एक तरफ तो तुम उनको मारती हो और दूसरी तरफ तुम उनको इम्प्रेस करने के लिए फोटो शूट करवा रही हो यहाँ पर। ये सुनकर तो टैंक बहुत ज्यादा भड़क जाती है और जियांग से कहने लगती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं समझ सकते, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, यहाँ से चले जाओ। टैंक का ये रूप देखकर जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे कहने लगता है कि अरे सुनो सुनो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, तुम गुस्सा मत हो। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि लड़कियों का कॉस्प्ले कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। इस पर फिर माई टैंक से कहती है कि लगता है कि कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपने इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। फिर टैंक कहती है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि इस कंपटीशन का रूल है कि तीन लड़कियां एक ग्रुप बनाकर अपना अपना परफॉर्मेंस देंगी, लेकिन मेरे पास बाकी की दो लड़कियां नहीं है, मैं तो बहुत अकेली हूँ, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर माई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि अच्छा ये बात है। तभी माई कहती है कि इस कंपटीशन में तीन लड़कियों का ग्रुप हिस्सा ले सकता है ना, ये देखो हम यहाँ पर तीन लोग ही तो हैं, हम वहाँ पर परफॉर्मेंस कर लेंगे तीनों मिलकर। ये सुनकर टैंक के चेहरे पर तो खुशी आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जियांग का चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक होता है। हम देखते हैं कि जियांग के चेहरे के तो बिल्कुल होश उड़ चुके होते हैं और माई से कहने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं लड़का हूँ, मैं कैसे परफॉर्मेंस कर सकता हूँ वहाँ पर, तुमने सुना नहीं क्या, ये परफॉर्मेंस सिर्फ लड़कियां ही दे सकती हैं, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम। तभी टैंक जियांग को खींच कर चेंजिंग रूम में ले जाती है और उसको लड़की बनाने लगती है। हम देखते हैं कि टैंक जियांग को लड़कियों वाली ड्रेस पहना देती है, जिससे जियांग बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा होता, जियांग को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वो असल में एक लड़का है। इसके बाद फिर जियांग को देखकर माई बिल्कुल उस पर लट्टू हो जाती है और कहने लगती है कि आप कितने क्यूट लग रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जियांग अपने आप को शीशे में देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और वहीं पर ही उल्टी कर देता है। जियांग कहता है कि मैं कितना बेकार लग रहा हूँ, आखिरकार मेरे साथ ये क्या चल रहा है, मैं एक दिन मर ही जाऊंगा अब। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ये चौथी लड़की अलीना भी आ जाती है और जियांग को इस लड़की के गेटअप में देखकर उसकी फोटो खींचने लगती है। हम देखते हैं कि अलीना ने ये फोटो जियांग को ब्लैकमेल करने के लिए खींची होती है। अलीना मन ही मन में कहने लगती है कि ठरकी जियांग, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ डेट पर जाओगे,
अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा तुम इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें एक ही बारी में खा जाऊं। तभी वहाँ पर एकदम टैंक की रोने की आवाज आती है कि मेरी ड्रेस फट गई। ये देखकर माई भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहने लगती है कि ये किसकी हरकत है। फिर जियांग कहता है कि मुझे लगता है कि कोई टैंक के जीतने से डरता है, इसलिए वो टैंक की ये ड्रेस फाड़ कर गंदी चाल चल रहा है। फिर जियांग टैंक से कहने लगता है कि क्या हुआ कि ये ड्रेस फट गई, तुम्हारे पास और भी बहुत सारी ड्रेस होंगी, उनमें से एक पहन लो। फिर टैंक रोते हुए कहती है कि मेरा ये सपना था कि मैं ये ड्रेस पहनकर परफॉर्मेंस दूंगी अपनी। इसके बाद फिर टैंक ये कहते ही वहां से भाग जाती है। वही दूसरी तरफ हम इन बदमाश लड़कियों को देखते हैं जो कि छुप छुप कर ये देख रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। हम देखते हैं कि टैंक की ड्रेस इन तीनों लड़कियों ने ही फाड़ी होती है। फिर जियांग माई से पूछने लगता है कि क्या वो ड्रेस बहुत महंगी थी क्या। फिर माई कहती है कि ऐसी बात नहीं है, ये ड्रेस उसकी मॉम ने उसको दिलवाई थी, इसलिए टैंक को इस ड्रेस से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और वो यही ड्रेस पहनकर परफॉर्मेंस करना चाहती थी। फिर जियांग माई का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि हमें इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना ही होगा और हमें ये जीतना भी है, हम ये कॉम्पिटिशन जीत कर उन बदमाश लड़कियों की अकल ठिकाने पर ला देंगे। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि मैश टॉयलेट में होता है और लड़की के गेटअप में खड़ा होकर बाथरूम कर रहा होता है। ये सीन तो बिल्कुल देखने लायक ही होता है। यहाँ पर जियांग मनी मन में कह रहा होता है कि परफॉर्मेंस में पहला पार्ट तो अपना इंट्रोडक्शन देना है और दूसरा पार्ट में परफॉर्मेंस देना। मुझे लगता है कि दूसरा पार्ट इस कॉम्पिटिशन का मेन पॉइंट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार टैंक कहाँ पर चली गई है और माई ने भी इस परफॉर्मेंस में पहनने के लिए अपनी ड्रेस चूज नहीं किया अभी तक। ऐसा लगता है कि मुझे ही सबसे पहले जाना पड़ेगा परफॉर्मेंस करने के लिए। अरे यार ये कितना मुश्किल है। तभी वहाँ पर वो अफसर आ जाती है और जियांग के कान में कहने लगते है क्या मुश्किल है। ये सुनकर तो जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और इस अफसर से कहने लगता है कि अरे तुम यहाँ पर क्यों आ गई, ये मैच टॉयलेट है, अगर किसी आदमी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो क्या होगा। इस पर फिर ये अफसर कहने लगते है कि तुम भी तो लड़की के गेटअप में आए हो यहाँ पर, तुम क्यों नहीं सोचते ये बात। इस पर फिर जियांग इस अफसर से कहता है कि मेरा माथा पहले से बहुत गर्म है, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि जियांग इस अफसर को अचानक से घूर घूर कर देखने लगता है और मनी मन में कहता है कि अरे यार आज ये कितनी सेक्सी लग रही है। जियांग को देखकर फिर ये अफसर कहती है कि अरे ओ ठरकी, मुझे इतनी गंदी नजरों से क्यों देख रहा है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ ये ऑडियंस बहुत एक्साइटेड होती है। फिर इस कॉम्पिटिशन का होस्ट अनाउंसमेंट करता है कि हमारी पहली होस्ट है मिस जियांग। वही दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि इतनी भीड़ को देखकर बिल्कुल डर जाता है। जियांग को देखकर फिर ये बदमाश लड़कियां उसे कहने लगते हैं कि क्या इतना डर क्यों हो रहा है और वो जो तुम्हारे साथ परफॉर्मेंस करने वाली थी बेवकूफ टैंग वो कहां पर है। ये सुनकर तो जियांग में बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है और वो कहने लगता है कि मुझे इन लड़कियों को सबक सिखाना ही होगा, इसलिए मुझे किसी भी हाल में ये कंपटीशन जीतना है। तभी हम देखते हैं कि जियांग स्टेज पर आने लगता है और वो वहां पर बिल्कुल नर्वस लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एकदम चलते चलते जियांग वहां पर गिर जाता है। ये देखकर पूरी ऑडियंस जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, हम ये देखने थोड़ी आए हैं यहां पर, इसको बाहर भगाओ यहां से। तभी जियांग इतने प्यार से इन लोगों को कहता है कि प्लीज मुझ पर मत हंसो। इसके बाद फिर जियांग का ये चेहरा देखकर तो ये सभी कैमरामैन उस पर लट्टू ही हो जाते हैं और उसकी फोटो खींचने लगते हैं और दूसरी तरफ ऑडियंस भी बहुत खुश हो जाती है और जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। ऑडियंस को इस तरह खुश देखकर ये तीनों लड़कियां बिल्कुल जेलस फील करने लगती है। वही दूसरी तरफ हम माई को देखते हैं जो कि बहुत टेंशन में टैंक को ढूंढ रही होती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।